नमस्ते फ्रेंड्स, मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी ना सर्दियों का टाइम चल रहा है, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सर्दियों में मैं कैसे डेली पूजा करती हूँ वो शेयर करने वाली हूँ। और मेरी जो आवाज़ है ना थोड़ी सी अभी बैठी हुई है, मेरा गला अभी सही नहीं है, तो प्लीज़ मेरी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। तो देखिए अभी ना मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं और मैं नहा चुकी हूँ। तो सबसे पहले तो मैं मंदिर की अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ, जो भी पूजा के बर्तन हैं उसको अच्छे से मैं वॉश कर लेती हूँ, धो लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं अपनी पूजा शुरू करती हूँ। तो देखिए मैंने मंदिर की क्लीनिंग जो है अच्छे से कर ली है। जो भी टीका वगैरह रहता है ना डेली जो हम लोग लगाते हैं भगवान जी को, वो भी मैं डेली उसको कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। तो पूजा के बर्तन धोने के बाद ना अब मैं आ गई हूँ दोबारा से मंदिर में। तो सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊंगी। तो मैं लड्डू गोपाल जी को डेली स्नान कराती हूँ, उनके कपड़े जो है मैं डेली चेंज करती हूँ, उसको डेली धोती हूँ, सुखाती हूँ। जैसे कि हम लोग अपने बच्चे के करते हैं ना, ठीक वैसे ही हम लड्डू गोपाल जी को भी करते हैं। स्नान कराने के बाद ना मैं उनको टॉवल से अच्छे से पोंछ दे रही हूँ। और अभी ना ठंड का मौसम चल रहा है तो मैं उनको वूलन कपड़े भी पहनाऊँगी। और ये देखिए मेरा बेटा भी बार बार बीच बीच में आकर के उनको देख रहा है। तो आज मैं उनको ना ये येल्लो वाली ड्रेस पहनाने वाली हूँ, येल्लो और पिंक कलर की बहुत ही सुंदर सी ड्रेस है ये। और इसके ऊपर मैंने इनको ये वूलन स्वेटर भी पहना दिया है, क्योंकि हमें भी ठंड लगती है तो ठीक वैसे ही हम भगवान जी को भी उन्हीं कपड़े पहना देते हैं। और मैंने रेड कलर की माला पहना दी है, वाइट कपड़े पहना ये रेड माला बहुत ही सुंदर लग रही है। अब हम उनका अच्छे से श्रृंगार कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर चंदन से उनका तिलक कर दिया है, उसके बाद मैं उनके बाल लगाऊंगी, पगड़ी लगाऊंगी, क्योंकि पहले बाल लगा दो ना तो फिर ठीक से तिलक नहीं हो पाता है। और ये देखिए मैंने ऊन की ही पगड़ी भी उनको लगा दी है, मतलब ऊन का आप टोपी कह सकते हैं। अब मैं लड्डू गोपाल जी को ना मंदिर में जो उनका आसन है उस पर विराजमान कर दूंगी। तो ये देखिए कितने सुंदर से लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। फिर हम सबसे पहले दीपक जलाएंगे, उसके बाद अपनी पूजा शुरू करेंगे। तो मैं डेली बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ, बहुत ही छोटी सी सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले हम सभी देवी देवताओं को तिलक करेंगे। तो मैं शिव भगवान को, विष्णु भगवान को चंदन का तिलक करती हूँ और बाकी सभी देवी देवताओं को कुमकुम का तिलक करती हूँ। उसके बाद हम धूप दीप जलाएंगे, सभी देवी देवताओं को धूप दिखाएंगे। फिर हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। तो लड्डू गोपाल जी को जो भी भोग लगाते हैं उसमें मैं तुलसी का पत्ता डाल देती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल जी बिना तुलसी दल के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और फिर मैं बाकी सभी देवी देवताओं को भी भोग लगाऊंगी। तो बाकी सभी देवी देवताओं को मैं किशमिश का भोग लगाऊंगी। तो मैं इसी तरह से दो जगह भोग लगाती हूँ। और इसके बाद हम कपूर से आरती करेंगे, क्योंकि जो दीपक हमने सबसे पहले जलाया था उस दीपक से हमें आरती नहीं करना चाहिए, फिर से एक अलग दीपक लेना चाहिए आरती करने के लिए, या फिर कपूर से करना चाहिए। कपूर से आरती करते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो मैं डेली गणेश भगवान की, शिव भगवान की, कृष्ण भगवान की आरती कर लेती हूँ, 2-4 आरती मुझे आती हैं।
तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का एक छोटा सा वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे एक अच्छे से प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। जय माता दी।